एकल नारी शक्ति संगठन एकल महिलाओं के लिए एक मंच है जो विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्त, लापता पति और अविवाहित महिलाओं के लिए काम करता है। ये 1999 में राजस्थान में महिलाओं के एक समूह द्वारा शुरू किया गया था और अब ये पूरे भारत के 10 राज्यों में काम कर रहा है। इसका उद्देश्य महिलाओं को शिक्षित करना और सामूहिक रूप से अन्याय और लिंग भेदभाव के खिलाफ लड़ना और लैंगिक पूर्वाग्रह को तोड़ना था। एकल नारी शक्ति संगठन की महिलाएं अब अपने समुदाय में नेता हैं। वे स्थिरता और जलवायु परिवर्तन सहित विभिन्न मुद्दों पर काम कर रही है। एक मुद्दा हमेशा अछूता रहता है जो कि जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो महिला और बच्चों के ऊपर पड़ता है, क्योंकि जो भी हमारे छोटे किसान हैं और जो सीमांत किसान हैं तो उनके जब ये जलवायु परिवर्तन होता है तो कभी काफ़ी बारिश होती है, कभी बारिश नहीं होती है, कभी ओलावृष्टि होती है। उसके कारण उनका घर का पूरा जो आर्थिक स्थिति है वो खराब हो जाती है और उसकी वजह से उनको कर्जा लेना पड़ता है। जब घर नहीं चुका पाते तो मानसिक स्थिति खराब होती है और वो कहीं ना कहीं महिलाओं पर एक हिंसा का कारण बनता है। साथ में जो घर में छोटे बच्चे हैं, जो 13-14 साल के लड़के हैं, उनको कहीं ना कहीं पर वो बंधुआ मजदूर के रूप में 50,000 रुपए में उनको काम पे रख देते हैं एक साल के लिए, तो उनका वहाँ पर भी काफ़ी शोषण होता है। और जो बच्चियाँ हैं, छोटी बच्चियाँ, एक बेटी की शादी करने की वजह से, खर्चा बचाने की वजह से दूसरी छोटी बेटी का भी विवाह कर दिया जाता है, तो बाल विवाह को भी इसमें काफ़ी ज़्यादा बढ़ोतरी हो रही है। हमारे अभी सभी जगह जलवायु प्रदूषण हो रहा है, तो ये सभी जगह हमारे मनुष्यों को, जन को, सबको है ना, जो जीने का परेशानी हो रही है प्रदूषण से। तो इनसे न तो अच्छा भोजन मिल रहा है, न शुद्ध पानी मिल रहा है, न शुद्ध हवा मिल रही है, न पौष्टिक आहार मिल रहा है, शुद्ध खाने को भी नहीं मिल रहा है। तो बच्चे, बूढ़े, जवान इसीलिए बीमार हो रहे हैं, पशुओं तक, और तो क्या, पशुओं तक भी बीमारी फैल रही है, क्योंकि प्रदूषण से सभी आगे बढ़ते हैं, बीमारी बढ़ती है। और इसीलिए हमने वृक्षारोपण का काम भी चालू किया है एकल नारी शक्ति संस्थान ने। तो महिला हमें सभी जगह वृक्षारोपण का काम भी कर रही है, फलदार पौधे भी लगा रही है, अपने किचन गार्डन भी लगा रही है। किचन गार्डन से अपने जो भी अपने पर्याप्त मात्रा में भोजन में सब्जी वगैरह है तो अपने खुद ताज़ा सब्जी लेती है और बनाती है, तो अच्छा पौष्टिक आहार बनेगा, तो अपने बच्चों का और खुद का भविष्य के लिए, आगे के जीवन के लिए भी अच्छा रहेगा। और हमारे परिवार में गाँव वालों को भी हम यही जानकारी देते हैं। और जो अपने पश्चिमी राजस्थान है उनमें पानी की कमी है, उनके लिए महिला अपने सभी जगह अपना अपना टाँका बनवाती है और बरसात का पानी इकट्ठा काम करती है, इकट्ठा करके उन पानी को काम में लेती है, क्योंकि ये पानी परेशानी सभी महिलाओं को उठानी पड़ती है। इसलिए महिला आगे आ रही है, हर काम में महिला भागीदारी ले रही है और जैविक खेती को हम बढ़ावा दे रहे हैं और सभी जगह जैविक खेती का बढ़ावा कर रहे हैं, ताकि सभी अपने गोबर का खाद बनाकर देसी खाद से खेती उपजन करें और सब्जी वगैरह भी देसी काम ले तो बीमारियाँ कम होगी। एकल नारी शक्ति संगठन 1,00,000 से अधिक ग्रामीण महिलाओं का नेटवर्क है, जिनमें से आधे से ज्यादा किसान हैं और खेतिहर मजदूर हैं, मॉनसून पर बहुत अधिक निर्भर हैं। संगठन ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ा रहा है कि कैसे वे जलवायु परिवर्तन के मोर्चे पर फ्रंट लाइनर हैं। वे घर घर जाते हैं, समूह चर्चा करते हैं और जैविक खेती, वनीकरण, जल संचयन और सौर ऊर्जा के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए बात करते हैं। अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंतित एकल नारी शक्ति संगठन की महिलाएं बेहतर कल के लिए आज बदलाव लाने का काम कर रही हैं।